तो हमारा टॉपिक है जी आज का बेसिकली सेंटेंस करेक्शन का। मैं थोड़ा सा इसको और साइड पे कर रहा हूँ ताकि जो है हमारा टॉपिक हमें ज्यादा विजिबल रहे, जो हमारी पिक्स। ओके जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जी हमारा टॉपिक आज का बेसिकली। तो आइए इस टॉपिक को हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। रूल्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और हम इन रूल्स को और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सबको लेकर अपने साथ चल रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं जी। रूल्स, रूल में सबसे पहले ऑल द वाटर इन द सीज लुक ब्लू कि ऑल द वाटर इन द सीज लुक्स ब्लू। बिल्कुल, मैंने कहा था बेस से शुरू करेंगे, बेस वाली स्लाइड को जल्दी जल्दी करते जाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑल द वाटर इन द सीज लुक ब्लू के लुक्स ब्लू, बोले जी। जी स्टूडेंट्स आंसर कीजिएगा, चैट में भी कर सकते हैं आप आंसर मुझे। तो जी चैट में आंसर आना शुरू हो गए, लेट मी चेक दैट। जी तो बच्चे ने मैसेज किया है सर लुक्स आना है, लुक ब्लू आना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देर आर डिफरेंट आंसर्स गिवन टू मी बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। मैं चैट को भी अपने सामने परमानेंट ऑन कर लेता हूँ। तो बच्चे जो आंसर आना है दैट इज वाई ऑल द वाटर इन द सीज, आपको एक चीज क्लियर कर दूं, दैट इज लुक्स ब्लू, नॉट लुक ब्लू, अल्फा नहीं बीटा। अब यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। देखिए जो लोग लुक लगा रहे थे दैट मीन्स टू से कि उनका ग्रामर का इशू है। देखिए यहां से डायग्नोसिस हो गया कि आप लोगों का ग्रामर का इशू जो है वो आपके सामने मौजूद है। तो ऑल द वाटर इन द सीज लुक्स ब्लू, क्यों? हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो ऑल द वाटर इन द सीज, लुक से वर्ब आ जाता है। यही तो सीख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, के सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अच्छा यहां भी एक मजे का इशू है, बेस बिल्कुल पकड़ रहे हैं। होता यूं है कि जो आपका होता है वाटर, ये तो सिंगुलर होता है, जितना भी वाटर हो वाटर इज ही होता है, सीज प्लूरल होता है। वर्ब का फैसला करना था कि वो सीज के मुताबिक लुक करना है कि वाटर के अकॉर्डिंगली लुक्स करना है। वर्ब का एक और इश्यू होता है कि वर्ब के साथ एसईएस का इजाफा किया जाए ना फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो सिंगुलर कहलाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस का इजाफा किया जाए स्टूडेंट्स तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है, वो प्लूरल वर्ब नहीं कहलाता, ये याद रखिएगा। तो ऑल द वॉटर इन द सीज लुक्स ब्लू, हम वॉटर के अकॉर्डिंगली लगाएंगे, वॉटर इन द सीज, सीज ब्लू नहीं है, वॉटर इन द सीज ब्लू है। और ये चीज सीखेंगे कि हम कैसे नतीजा निकालना है, ये सब्जेक्ट वर्ब में सीखना है हमने, अभी अभी करना है कि हम कैसे नतीजा निकालेंगे कि वॉटर के मुताबिक वर्ब लगाना है कि सीज के मुताबिक। यहां तो वॉटर के मुताबिक लुक्स लगा दिया, सिंगुलर वर्ब लगा दिया, वर्ब के साथ एसईएस का इजाफा उसको सिंगुलर बनाता है, याद रखिएगा। हाँ नाउन के साथ उसका एसईएस का इजाफा प्लूरल बनाता है, जैसे चेयर से चेयर्स प्लूरल हो गया, प्लूरल जमा सिंगुलर वाहक। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर, ये बेसिक रूल है। नीचे तीन रूल लिखे देखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर प्रेडिकेट, प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल प्रेडिकेट। अब आप कहेंगे कि सर ये प्रेडिकेट क्या होता है, ये थोड़ी सी बात भी करते हैं, आपकी बेस बना रहा हूं। क्या सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट? सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन आपके सामने है। तो आपको नजर आ रहा है कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन। सब्जेक्ट एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, उसको हम सब्जेक्ट कह रहे होते हैं। एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जी जिस जो के जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बड़ा आसान सी चीज है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट। चले डन हो गया। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। इट स्टार्ट विद अ वर्ब, जो वर्ब से स्टार्ट होगा वो प्रेडिकेट, जो वर्ब से स्टार्ट होगा वो प्रेडिकेट, और जो वर्ब से पहले वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, आई एम एक्सप्लेनिंग इट, और वर्ब
से लेकर जो बाकी एंड तक फुल स्टॉप तक सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है जो इन्फॉर्मेशन देता है। नीचे सेंटेंस लिखा ही गोज टू स्कूल, तो ही सब्जेक्ट है, गोज वर्ब जो आ गया तो वर्ब से प्रेडिकेट शुरू हो जाना है, तो ही गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल तक प्रेडिकेट है। तो हमारा सेंटेंस में ही सब्जेक्ट गोज टू स्कूल प्रेडिकेट। जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करते हैं, जो कि अभी मैं सिखा रहा हूं इसको अक्सर एग्रीमेंट पढ़ते हैं, इट इज अग्रीमेंट। जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज नॉट सिंपली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इट इज बेसिकली सब्जेक्ट प्रेडिकेट अग्रीमेंट। प्रेडिकेट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट अपने पूरे वर्ब से लेकर फुल स्टॉप तक हर शय से अग्री कर जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और जुमले के अंदर आने वाले नाउन प्रोनाउन भी सिंगुलर होंगे, ही शी इट वगैरह भी सिंगुलर होंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो, अंदर वर्ब भी प्लूरल है और अंदर आने वाले नाउन प्रोनाउन भी प्लूरल यूज हो रहे होंगे सब्जेक्ट के लिए। आइए जरा एग्जाम्पल देखते हैं, आगे और बढ़ते हैं। रूल टू पे हम लैंड कर रहे हैं। द डॉग हु इज च्यूइंग ऑन माई जीन्स इज यूजली वेरी वाइज। द डॉग, देखो द डॉग तो हु इज लगाया, च्यूइंग ऑन माई जीन्स इज यूजली वेरी वाइज, आगे इज लगाया, मेरी बात समझ आ रही। तो द डॉग हु इज च्यूइंग ऑन माई जीन्स आर वेरी गुड, नहीं इज वेरी गुड लगाना है। गौर करें, डॉग सब्जेक्ट था, फिर आगे जो कुछ है वो उस डॉग के बारे में बताया जा रहा है, वहां से प्रेडिकेट असल में शुरू हो जाता है। तो आर वेरी गुड से प्रेडिकेट का दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। तो हमें सारा प्रेडिकेट ही सिंगुलर करना है, दैट इज व्हाई हमारा जो करेक्ट आंसर बना स्टूडेंट्स कौन सा बना, यस दैट इज अल्फा। दूसरे में आते हैं, द बॉयज हु आर कमिंग टू द पार्टी आर वेरी रिच, के द बॉयज हु आर कमिंग टू द पार्टी इज वेरी रिच। बोले जरा, बोल के आंसर दें जरा, मैं आप लोगों से ये बात समझ देखता हूं कि आपको समझ आई है कि नहीं। बोले शाबाश, मैं सारे लोगों की स्क्रीन ऑन कर रहा हूं ताकि मेरे सामने सारे लोग आ जाएं। बोलें जी, जिसने हैंड रेज करना है वो हैंड रेज करके बोल सकता है, किसी ने मैसेज करना है वो मैसेज करके बोल सकता है, चैट भी आई हुई है। आर वेरी रिच, आर वेरी रिच, आर वेरी रिच, रियली गुड। मजर ने माइक ऑन करने के लिए हैंड रेज किया है, तो मजर मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं। वैसे तो मैंने दी हुई थी इजाजत, लेकिन देखता हूँ सेटिंग में क्या इशू है कि आप खुद नहीं कर पा रहे। सर इसमें जी जी मज़ा सर, इसमें हम आर वेरी रिच यूज करेंगे। यस आर वेरी रिच, द बॉयज हमने जैसे फर्स्ट वो कमिंग टू पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम इसको मतलब इमेजिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम वॉइस को चेंज करेंगे, द बॉयज वेरी रिच, दैट इज रियली गुड मज़ा, दैट इज रियली गुड। So the boys who are coming to the party are very rich. Are very rich. गौर करें, boys था तो आर हो गया, boy, ये अभी मैं बेस बातें कर रहा हूँ, अभी तो बड़ी मजे की चीज आनी है। और नीचे बात जो लिखी है वो उसको एक टिप के तौर पर लें कि don't get confused by the words that come between the subject and the verb. Subject और verb के बीच में जो words आए उनसे कभी confused नहीं होना, कभी उनसे परेशान नहीं होना। They do not affect agreement. वो agreement effect नहीं कर सकते। देखो the dogs work karo, the dogs are sorry, the dog who is chewing on my jeans, to jeans ko nahi dekh rahe hum, ye darmiyan mein aa rahe hain, verb hamara dog ka is lag raha hai aage, so the dog is very good. Boys hai to are very rich, who are coming to the party, extra words hai jo ke subject ke sath attached hai, hum apne main subject, ab rich party hai ki boys hai, rich hai party, to hum rich hai boys, to hum boys ke mutabik is laga diya, हमारा आर लगा दिया सॉरी, क्योंकि पार्टी होता तो इज लगाते। हमारा पहले जुमले में सब्जेक्ट था इज वेरी गुड, अभी जीन्स गुड है कि डॉग गुड है, हम कहना चाह रहे हैं डॉग गुड है, तो इज यूजुअली वेरी गुड, इसको कहते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट। गौर करो, आर वेरी रिच प्रेडिकेट है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डॉग बॉयज के बारे में, तो हमने बॉयज के मुताबिक आर कर दिया। इज वेरी गुड किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डॉग के बारे में, तो डॉग के अकॉर्डिंगली हमने इज कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और मैंने कहा था इसको हम जरा इनलार्ज करके पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट सिर्फ वर्ब से नहीं अपने पूरे प्रेडिकेट से अग्री करता है। इस चीज को और आगे चल के देखेंगे। मुझे बताइए जरा कि ये क्या तीनों सेंटेंसेस ठीक है। द कलर्स ऑफ द रूल थ्री पर लैंड कर गए, द कलर्स ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल, द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वाज पब्लिश्ड, अ बास्केट ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स वाज गिफ्टेड, क्या ये तीनों ठीक है स्टूडेंट्स? आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, बच्चों के मैसेज आना शुरू हो गए,
आप मुझे माइक भी ऑन कर सकते हैं। अनम्यूटिंग आप करना चाहते हैं, मैं आपको कर देता हूं, आप हैंड रेज करें, मैं फौरन कर दूंगा आपको। अगर कोई करना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट, मैं बल्कि आप सबको अनम्यूट एक बार कर देता हूं जो जो बोलना चाहते हैं। तो बच्चे सर, ये तीनों ठीक है सर, तीनों सेंटेंसेस एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो तीनों सेंटेंसेस में किसी किस्म का इशू हरगिज भी नहीं है, दोज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए मेरी बात आप गौर से सुने, मैं एक बार इसको स्क्रीन थोड़ा सा बैक करूं, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को देख, क्या कह रहे बेटा, अच्छे कुछ कहना चाह रहे हो? आई थिंक आप में से किसी का माइक ऑन है। यस, ये नताशा का माइक ऑन था, और दैट इज व्हाई मैं माइक ऑन नहीं करता, बच्चों को अक्सर पता नहीं लगता कि उनका माइक ऑन है, वो जो है वो डिस्टर्बेंस का कॉज बन जाते हैं। ठीक हो गया, क्या मैंने माइक सबके ऑफ कर दिए दोबारा से? ओके, if a subject consists of several words, the verb will be according to the main subject. agar ek subject mein zyada words hai, gaur kare, several words hai, verb main subject ke according hoga. colors of the rainbow mein main subject colors hai, list of the candidates mein main subject list hai, candidates nahi hai. ab basket of different fruits mein main subject basket hai. dekho are beautiful, was published, was gifted se to predicate shuru ho jata hai. ab dekho predicate aa raha hai baar baar samne, वर्ब से लेकर एंड तक जो पार्ट है वो प्रेडिकेट, और वर्ब से पीछे वाला पार्ट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, प्रेडिकेट जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं सेकंड सेंटेंस बड़ा वाज़े उसको पकड़ता हूं, द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वाज पब्लिश्ड, वे पब्लिश क्या हुआ है, कैंडिडेट्स पब्लिश हुए नहीं, पब्लिश हुआ है लिस्ट, तो फिर वाज लगाएं। प्रेडिकेट अपने सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, वर्ब अपने सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, वाज पब्लिश्ड, कैंडिडेट्स नहीं हुए, लिस्ट पब्लिश हुई है, वो दीवार पर जो लगती है वो पब्लिश होती है, वो लिस्ट होती है, कैंडिडेट्स नहीं दीवार पर लगाए जाते, कैंडिडेट्स उस लिस्ट का हिस्सा होते हैं, तो द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वाज पब्लिश, हमारा मेन सब्जेक्ट लिस्ट है। तो जब भी एक सब्जेक्ट ज्यादा वर्ड्स पर कंप्राइज करे, आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट की डेफिनेशन को फॉलो करना है। मैंने इसलिए तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट की डेफिनेशन करवाई शुरू में, क्योंकि मुझे पता कि जब तक मैं बेस नहीं करवाऊंगा आप ये चीज नहीं सीख पाएंगे कि आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट की, ठीक है जी, जो है स्टूडेंट्स आवाज मेरी ठीक आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो यस बोले, सम स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी के साथ थोड़ा सा और लाउडली बोले, आ रही है बेटा आपका फिर माइक का इशू होगा, बेटर है मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हैंड्स फ्री यूज करें, सारे लोग वो फेसबुक लाइव से देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं, दे शुड यूज हैंड्स फ्री ताकि आपको साउंड का इशू ना हो। ओके, तो द कलर्स ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल है, कलर्स ब्यूटीफुल है, अब बास्केट ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स वाज गिफ्टेड है, तो फ्रूट्स गिफ्ट नहीं हुए, उस बास्केट गिफ्ट हुई है, फ्रूट्स उसके अंदर थे, लिस्ट पब्लिश हुई है, कैंडिडेट्स पब्लिश नहीं हुए, तो सब्जेक्ट ज्यादा वर्ड्स पर कंप्राइज करता हो तो आप मेन सब्जेक्ट ढूंढेंगे, और मेन सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताएगा, प्रेडिकेट बताएगा पब्लिश क्या हुआ, तो दैट इज व्हाई आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट की डेफिनेशन मैंने करवाई थी। चले आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं इसकी थोड़ी सी, मुझे बताइए कौन सा करेक्ट है इन चारों में, ये एमडी कैट, पहले इसको एम कैट कहते थे, एंट्रेंस टेस्ट है, उसका एक जुमला है जी, बताइए कौन सा करेक्ट है, तमाम जो हैंड रेज करना चाहते हैं हैंड रेज करके आंसर दे सकते हैं, मैं चैट भी एक बार दोबारा से अपने सामने कर लेता हूं, परफेक्टली फाइन, डी बच्चे कह रहे हैं जी, डी हैंड रेज हुआ है, लो जी, जी बच्चे आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, मोहम्मद अहसन क्या कहना चाहेंगे, डी 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 बच्चे कह रहे हैं जी, डी बनेगा क्योंकि लगाएंगे, गुड, चलिए आप माइक ऑफ कीजिएगा फिर मैं समझाता हूँ इसको। देखिए एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स गलत है यार भाई, आपका आंसर बनना है जो बेसिकली दैट इज एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, गौर करें इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो हमारा प्रेडिकेट हो गया, वर्ब्स लिख रहे हैं,
एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स हमारा सब्जेक्ट था। इसमें देखना था कि सब्जेक्ट मेल कौन सा है, अगर सब्जेक्ट सेल्स है तो आर कर दें या वर कर दें, ठीक है, और अगर तो वो क्या नाम लेते हैं अमॉर्फस मैस है, अमॉर्फस कहते हैं जिसकी शक्ल ना हो, ए मैंने कहा था ना ए अगर किसी लफ्ज के साउंड शुरू में आती है ए तो वो नॉट का मीनिंग था, मॉर्फ होती है शक्ल, अमॉर्फस विदाउट एनी डिस्टिंक्ट शेप जिसकी कोई वाज़े शक्ल नहीं है, तो एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इज आना जी क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट अमॉर्फस मैस हैड आ नहीं सकता था, हैड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसकी रीजन है कि अगर हैड लगाना है आपने तो फिर आपको जो है वो सेंटेंस में आगे आगे वर्ब भी है थर्ड फॉर्म देनी पड़नी थी, यहाँ इस जुमले में हैड बीन डिफिकल्ट जैसे बीन थर्ड फॉर्म होती है बी थी तो वो हमारा नहीं बन पाया उसके साथ गुजारा हैड के साथ, तो वो आर और वर्ग गलत है। लो जी मैं आपको एक जुगाड़ दे रहा हूँ, मैं आपको कहता इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जुगाड़ भी मिलेंगे बहुत सारे, अगर एक सब्जेक्ट ज्यादा वर्ड पर कंप्राइज कर रहा है और उसमें ऑफ आ जाए तो ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट होता है यूजली 99% आपको थ्रू मिलेगा, स्वाइप फ्रैक्शन के रूल के फ्रैक्शन का रूल आगे आएगा आज ही, एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स, तो अमॉर्फस मैस हमारा सब्जेक्ट है। देखो पिछली स्लाइड में अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, तो ऑफ से पहले वाला लिस्ट सब्जेक्ट, बास्केट ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स तो बास्केट सब्जेक्ट, तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, आपको काम आसान हो जाएगा और आपकी चीजें चलना मुश्किल हो जाएगी। अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स आप कह सकते हैं कि एक तरह का वो कलेक्ट हो चुका है, यू आर राइट मजर, लेकिन मैथ को हम कलेक्टिव नाउन के तौर पर ले जाते हैं, कोई भी चीज एलिमेंट जैसे फौजी इकट्ठी हो जाए आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, टीचर इकट्ठी हो जाए फैकल्टी एक कलेक्टिव नाउन है। आगे मूव करते हैं जी हम रूल फोर पर जाते हैं, देर इज अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट, देर हेयर आर द पेपर, देर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास, तीनों सेंटेंस करेक्ट आसान चीजें में रहती। देखिए हेयर और देर जो होते हैं ना इसके बारे में आपके सामने चीज लिखी हुई है कि हेयर और देर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्या कहने का मतलब, कहने का मतलब यह हुआ कि हेयर देर वाले जुमले जो हेयर देर से स्टार्ट होते हैं उनका सब्जेक्ट वर्ब के बाद हो। देखो नीचे फार्मूला लिखा हुआ, उस फार्मूला का फॉलो करें, हेयर देर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेयर देर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये याद रखिएगा प्लस सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो इसलिए देर इज अ प्रॉब्लम, आ प्रॉब्लम था वर्ब के बाद वाला देखना जी, वो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक वर्ब आएगा, आ प्रॉब्लम सिंगुलर था तो इज, हेयर आर द पेपर था दूसरा जुमला उसमें द पेपर्स प्लूरल था तो आर, देर आर मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर, देर वॉज तो इजी, देर आर मैनी स्टूडेंट्स तो हमने प्लूरल कर दिया, अगर होता देयर डैश आर स्टूडेंट तो देर इज अ स्टूडेंट, देर इज अ स्टूडेंट आपका आंसर जो था वो आ जाना था। एयर कंडीशनर काफी हीटिंग कर रहा है मुझे थोड़ा सा, चले आगे बढ़ रहे जी हम अपने नेक्स्ट की तरफ, द ये बहुत मजे का रूल है, रूल नंबर 5, द काउ एंड द कैमल आर जंपिंग ओवर द मून, ये तो बात बेस है ना सबको पता है, दो सब्जेक्ट्स जब मिलते हैं तो प्लूरल वर्ब कहलाता है लगाते हैं, हिज लैपटॉप एंड मोबाइल वर्स में दो चीजें थी, हिज लैपटॉप मोबाइल दो चीजें थी, काउ एंड कैमल दो एनिमल थे, टू एंड टू मेक्स, अक्सर लोग गलती करते हैं टू एंड टू मेक्स, टू एंड टू मेक फोर, कितने टू है, दो टू है, एक टू ने नहीं बनाया दो टू ने बनाया, तो दो है, दो सब्जेक्ट मिले हैं तो मेक करें, और डिलीजेंस एंड डेडिकेशन दो डिफरेंट ट्रेड्स है, डिलीजेंस होता है पूरी तरह से दिल लगा के काम करना, मैं अक्सर डीलिंग को कह रहा होता हूँ इसको, इसके अंदर दिल लगाने का मीनिंग आर दी नीड्स ऑफ दी आवर, ये नीड्स भी आना याद रखिएगा, डिलीजेंस एंड डेडिकेशन दो ट्रेड्स है, डिलीजेंस दिल से काम करना और डेडिकेशन होता है कि अपने आप को वकफ कर देना कि आपके बस और कुछ करना ही नहीं है, बस मेरी जिंदगी और अव्वल आकर ये, तो दोनों में डिफरेंट है, डिलीजेंस डिलीजेंस होता है कि आप काम चोरी ना करें, बेदिली से काम ना करें बल्कि पूरी अटेंटिव होकर काम, तो आ रहा है, तो रूल क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से मिलता है, दो सब्जेक्ट होते हैं तो प्लूरल वर्ब होता है, लेकिन सिक्स इसको थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करता नजर आएगा, सिक्स कह रहा है रेड बीन्स एंड राइस आगे आगे, आपने सर अभी तो फाइव में किया था कि टू एंड टू मेक फोर, अभी हमने किया था काउ एंड कैमल आर डिफरेंट एनिमल्स, ये रेड बीन्स एंड राइस क्यों लगा दिया, रीजन कि इज माय मॉम्स फेवरेट डिश, जुमला देखिए दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन तो हुए लेकिन वर्ब सिंगुलर रह गया, क्यों रह गया, क्योंकि वो डिश है, इसका मतलब रेड बीन्स और राइस इकट्ठे
मतलब सिर्फ लोबिया और चावल कट्ठे पकाएंगे, जैसे वो मटर वाले चावल नहीं पका लेते। तो एक डिश है वो इज माय मॉम फेवरेट डिश। दो सब्जेक्ट्स मिलकर अगर सिंगुलर मीनिंग दें तो नीचे रूल देखिएगा, वर्ब भी आपने सिंगुलर ही लगाना। व्हेन टू सब्जेक्ट्स जॉइन एंड दे गिव अ सिंगुलर मीनिंग, वर्ब वुड बी सिंगुलर। द हॉर्स एंड कैटल शो, शो तो एक ही है ना, हॉर्स भी है कैटल भी है, वो हॉर्स एंड कैटल शो मोहल्ला मवेशियों को कहते हैं जी। वाज अमेजिंग लास्ट ईयर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक ही बंदा होता है जी, आपने स्टोरी बहुत सारी पढ़ी है, स्लो एंड स्टडी विंस, लगा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े लेकिन विंस क्यों? वो बंदा जो स्लो हो लेकिन चले स्टडी, आहिस्ता हो लेकिन मुस्तकिल मजाजी से चले, कभी रुके ना, वो जीत जाए। बस चलते रहना। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये ना अक्सर जगहों पे गलत लिखा भी होता है। मैं आपको मजे के रेफरेंस देता हूँ कि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में टाइम के नीचे, मैं बहुत मजे की बात करने जा रहा हूँ ग्रामर के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलें जी, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑनलाइन इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, OALD आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। उसमें टाइम की मीनिंग के नीचे ना जुमले देखेगा तो आपको जुमला लिखा मिलेगा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आप परेशान हो जाएंगे कि सर पता नहीं लेक्चर में गलत करवा गए ना बच्चा, ऐसा नहीं, वो ग्रामर उस डिक्शनरी में गलत। आप कहेंगे सर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को चैलेंज कर रहे, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, वो आज का यूसेज है, डिक्शनरी करंट यूसेज देती होती है। एंड यस, हमारी मैंने उस दिन भी बोला था लैंग्वेज जो होती है बोलचाल की वो बदलती रहती है, डिक्शनरी करंट अपडेट करती रहती है। ग्रामर की बुक्स मैंने क्या कहा था आपको पिछले लेक्चर कि वो 500 साल पुरानी है तो 500 साल पुरानी ग्रामर ही दे रही है, उसके अंदर चेंज की गुंजाइश नहीं। आज भी आई हुई के साथ शैल लिखा है ग्रामर की बुक में, विल लिख कर नहीं दे रहे, पर आम आज आम जुबान में तो हम आई विल डू दैट, आई वुड डू दैट, अब फिर ही जा रहे, आई तो शैल लगा ही नहीं रहे, आई हुई शैल तो बिल्कुल ही फिनिश कर दी है। तो ये बच्चा पार्टी जो ग्रामर की बुक्स है, चले मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, रेनन मार्टिन खोलना है आपके, वहां सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट खोल, आप माइकल स्वान खोलें, रेनन मार्टिन तो बहुत इजीली अवेलेबल है, माइकल स्वान की जो प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, उसकी मैंने सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में दी है व्हाट्सएप में, आप उसको खोले। तो ग्रामर की बुक्स पेड्स लिखते हैं क्योंकि टाइम एंड टाइड मिलकर हमें ग्रामर फॉलो करनी है जब ग्रामर कर रहे हैं, अब डिक्शनरी फॉलो करनी है जब वोकैबुलरी कर रहे हो ना, याद रखिए जब सिनोनिम इंटरचेंज करेंगे, जब सेंटेंस कंप्लीशन करेंगे, ग्रामर ग्रामर की बुक से, तो ग्रामर की बुक का रेफरेंस काम देगा। देखो मैंने जानबूझ के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का रेफरेंस दिया, बट दैट इज नॉट The book of grammar to be followed, that is a dictionary. So time and tide waits for none. वक्त किसी का इंतजार नहीं करता जी, तर्जमा ये नहीं है कि वक्त और लहर किसी का इंतजार नहीं करते, वक्त इंतजार नहीं करते। मीनिंग तो दोनों मिलकर वक्त पे देते, लहर का तो मीनिंग आता ही नहीं है। ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट वन, ब्रेड एंड बटर यहाँ मीनिंग अर्निंग है, रोजी रोटी है, तो मेरी रोजी रोटी मेरी कमाई जो है वो इज टीचिंग, माई ब्रेड एंड बटर इज टीचिंग, ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न इज, लेकिन मैं इसी ब्रेड एंड बटर को रोजी रोटी के बजाय अगर मीनिंग दे देता हूँ रोटी और मक्खन का, तो ब्रेड एंड बटर आई माई आर माई फेवरेट ईटेबल्स, कि ब्रेड और बटर मेरी पसंदीदा गजाएं हैं, आर माई फेवरेट ईटेबल्स, या एडिबल्स कह लें, एडिबल्स हम यूज कर रहे होते हैं, आर अब रोटी और मक्खन का मीनिंग। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स इज, अब सर राइज भी है टाइड फॉल भी है, फिजिक्स के स्टूडेंट मुझे सेकंड करेंगे फौरन, कि जब आप वेव्स को ड्रॉ करते हैं तो आप राइज एंड फॉल जब बनाते हैं तो आप रिजिज बनाते हैं जो ऊपर को उठी होती हैं और ट्रफ्स बनाते हैं, फिजिक्स में ट्रफ कहते हैं जी उस लाइन को जो नीचे को जाकर प्याला बनता है, तो वो ट्रफ है जो ऊपर को जाता है वो रिज बन रही होती है। तो देखो वो मिलकर प्रॉपर्टी तो एक ही बनी ना, कि वो फॉल हुई और राइज हो मिली एक ही प्रॉपर्टी, ठीक है। उर्दू में कहती है इसको मद्दो जजर, वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ जो लहरें उठ रही हैं, तो वो प्रॉपर्टी एक ही है कि वो राइज एंड टॉय, राइज एंड फॉल, और दा एक बार आया, ये बहुत बड़ी निशानी है हमारी, दा एक मरतबा आने का मतलब है राइज एंड फॉल को ये चीज। तो द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज, जो उनका उतार चढ़ाव है वो ल्यूनर फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, उतार चढ़ाव। किसी ने माइक क्वेश्चन पूछा है जी, हाँ क्रस्ट एंड ट्रफ, फिजिक्स के स्टूडेंट्स ने जो है ट्रफ के स्पेलिंग पर हम TROUGH लेते होते हैं, आपको TRUF लिखा है, वो TRUF और होता है। चले खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं जी 7A 7B, दो रूल्स हैं। तो 7A में आपको वर्ड्स लिखे नजर आ रहे हैं, एवरी वन, सम वन, ईच, एवरी, नीदर, नाइदर प्रोनाउंसिएशन दी है, नाइदर ब्रिटिश है नीदर अमेरिकन है, तो नाइदर आइदर नीदर ईदर, नन, नथिंग, समबॉडी, एनीबॉडी, ये जो होते हैं ना इनका रूल मजे का,
इनका रूल ये है कि इनके साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर, प्रेडिकेट भी सिंगुलर। प्रेडिकेट मतलब वर्ब, मैंने बोला था ना वर्ब से प्रेडिकेट शुरू होता है। गौर करें ऊपर जुमले से आपको समझ आ जाएगी, जुमले से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, ईच बॉय इज डूइंग, देखो वर्ब सिंगुलर और हिज वर्क, प्रेडिकेट के अंदर आने वाला प्रोनाउन एडजेक्टिव भी सिंगुलर। नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउड, नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउड, क्या नो आ गया जुमले में, तो नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउड। ईच मैन एंड वुमेन, ईच आ गया, देखो ईच टेबल में, इस टेबल के सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है बेसिकली वन का, एवरी वन, हर एक, सम वन कोई एक, ईच कोई एक, हर एक, एवरी हर एक, नीदर दो में से कोई एक भी नहीं, और इधर दो में से कोई एक, ये दो का मीनिंग देखती है, नन एक भी नहीं। तो ईच मैन एंड वुमेन नहीं कहना, ईच मैन एंड वुमेन कहना, मैन एंड वुमेन नहीं कह सकते, याद रखिए। ठीक हो गया जी, आई थिंक आपको ये बात पल्ले पड़ी होगी। तो एक मिनट में वापस आता हूँ इधर ही। तो ईच मैन एंड वुमेन वॉज रिक्वायर्ड, देखो आपको लगाना वॉज, बात समझ आ रही है, तो सिंगुलर देना, आपने प्लूरल नहीं दे पाएंगे। चले आपसे फिल करवाते हैं जी, ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर इन दिस बिल्डिंग होप फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाय नेक्स्ट ईयर, के होप्स क्या लगाएंगे, कोई हैंड रेज करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी प्रोविजन ऑन कर रहा हूं जी। बच्चों लो जी मैसेज आ रहे, जी मोहम्मद एक्सन आप पूछेगा, क्या पूछना था, होप आएगा इसमें बेटा, होप्स आना है, इट्स होप्स, बेटा होप्स आना है, होप नहीं आना, एक्सन ने बिल्कुल ठीक आंसर भेजा है। चले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि व्हाई इट्स सो, ईच एंड एवरी आ गया ना बेटा, ईच एंड एवरी आ गया, तो ये रूल, ये मैंने अभी तो करवाया आपको कि ये वर्ड्स जब आ जाएंगे सब्जेक्ट के साथ, जैसे देखो ईच आया, जैसे एवरी आ जाए, एवरी बॉय आ जाए, ईच बॉय आ जाए, ईच मैन एंड वुमेन, देखो लफ्ज मैन भी था वुमेन भी था, लेकिन साथ चूंकि ईच लगा हुआ था तो वॉज रिक्वायर्ड, लेकिन वॉज, तो बेटा इधर भी होप्स आन, मेरी बात याद रखे, होप्स आन, होप्स। शायद आप यहां से ना कंफ्यूज कर रहे हो कि अगर वर्ब सिंगुलर देना हो तो वर्ब के साथ एसटीएस का इजाफा करना पड़ता है, नाउन और वर्ब आपस में उल्टे हो जाते हैं, नाउन प्लूरल करना हो तो एसटीएस का इजाफा होता है, वर्ब प्लूरल हो तो एसटीएस नहीं लगता। दे प्ले, देखो दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले, दे था तो प्ले किया, वर्ब प्लूरल है, लेकिन ही है तो ही प्लेज, नुमान प्लेज, एक बंदा है तो सिंगुलर कर दिया, तो सिंगुलर वर्ब होता है, एसटीएस का इजाफा हो गया तो सिंगुलर आ रहा है। मेरी बात समझ आ गई सबको, अक्सर शायद ना वो मेरे स्टूडेंट्स कई बार कह रहे होते हैं सर एसटीएस का इजाफा तो प्लूरल बनाता है, तो मैंने कहा शायद वही गलती आप ना ले रहे हो। मैसेज आए कुछ जल्दी से एक बार नजर मार लेता हूं, दिशान कह रहा है सर ऐसे ही समझ रहे थे कि हम होप को प्लूरल समझ, सिंगुलर समझ रहे थे। देखो वर्ब के साथ और रूल है, यही तो देखो मैं आपको कहा, मैंने आपके पहले बेसिक्स ठीक कर करके साथ लेके चलना है, ताकि हम पूरी इमारत ग्रामर की जो बिल्ड करें फिर उस पर कभी लड़खड़ाए ना। इस सीएसएस क्लियर करना है, आप जैसे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, बहुत सारे दूसरे कंपेटिटिव एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विस की जॉब आती है उनके लिए, तो आपको एडवांस लेवल की ग्रामर बेसिक से शुरू करनी है। अच्छा यहाँ बताए कौन सा ठीक है, मोस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ईच स्टार मेक देयर वॉइस की मेक इट्स वॉइस, बोले जरा। मैसेज भी आई, एक्सन कुछ कहना चाह रहा है, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, बोले मेक्स सर, मेक्स, मेक, ईच जो आ गया, ईच एंड एवरी जो आ गया, वेरी गुड, और इट्स भी ऑन। लो जी बच्चे इसका मतलब समझना शुरू हो गए, और ये टीचर के लिए बड़ी खुशी की बात होती है। तो मेक्स इट्स पॉइंट, वेरी गुड, जबरदस्त। नेक्स्ट आते ही हम अपने पास, इधर ए में गलती है, ए को टिक कर दिए, यहाँ गलती है। देखो करेक्शन इस तरह से भी आ सकती है, ये आती है कि एक सेंटेंस लिया, उसके चार ऑप्शन अंडरलाइन कर दिया, आपको ढूंढना है कि गलती किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में मिस्टेक है, बी ऑप्शन में मिस्टेक है, कि सी में, तो ए में मिस्टेक है, आप उस ए वाली मिस्टेक को करेक्ट करोगे, और अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो बबल शीट में ए को सर्कल फिल कर आओगे जी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स आ रहा है, ईच आ गया तो यहाँ वॉज आना है, ये मैं जरा खुद आंसर कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड भी बनानी है जी हमने, मैं नहीं चाहता आपका बहुत सारा टाइम लूं,
7B में के अगर यही वर्ड में देखो जो 7A वाले थे वही 7B में, everyone, someone, each, every, neither, either, सारे वर्ड में। अब इसमें रूल क्या है, इसमें रूल ये है, आप गौर करें आपको जुमले से नजर आएगा कि अगर इन लफ्जों के बाद ऑफ आ जाए, जैसे वन ऑफ, नीदर ऑफ, तो अगर इनके बाद ऑफ आ जाए तो सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, प्रेडिकेट फिर भी सिंगुलर है, प्रेडिकेट मीन्स वर्ब से लेकर आगे तक फिर सिंगुलर है। तो गौर करें ऊपर जुमला, वन ऑफ दी बॉयज, अब ये तो नहीं ना कह सकते कि वन ऑफ दी बॉय, ऑफ नहीं लगाते तो वन बॉय, लेकिन वन ऑफ दी बॉय, ये तो नहीं कहना लड़के में से एक, लड़कों में से एक कहना, तो वन ऑफ दी बॉयज वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज क्लास, प्रेडिकेट सिंगुलर है, हाँ सब्जेक्ट प्लूरल हो गया जो ऑफ के साथ लगा हुआ है। नीदर ऑफ दी टू बॉय, नीदर ऑफ दी टू बॉय हैज कम, ये दोनों में से एक लड़का भी नहीं है, मीनिंग एक का ही है, नीदर का मतलब क्या था, दो में से एक, नीदर ऑफ दी टू बॉय तो नहीं कह सकते कि कहना तो बॉयज का, हाँ पर मीनिंग तो एक है ना कि एक भी नहीं आया दोनों में से, तो हमारा इन लफ्जों के बाद अगर ऑफ आ जाए तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है लेकिन प्रेडिकेट फिर भी सिंगुलर, मतलब प्रेडिकेट दोबारा बताता हूं जो लेट ज्वाइन किए, जो वर्ब से लेकर जुमले के एंड तक का हिस्सा होता है दैट इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम अपने पास, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, तो हमारा इज आंसर है, इज ओनली, देखो वन के बाद ऑफ आ गया है तो सब्जेक्ट तो प्लूरल ही आना है, माय बेस्ट फ्रेंड, ये तो नहीं कहना मेरे दोस्त में से एक, मेरे दोस्तों में से एक, दोस्त में से एक तो गलत हो जाएगा, तो है तो एक ही ना, इज ऑन लीव दिस वीक। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये जरा जुमला है जी, ईच वन ऑफ द डॉग्स इन द शो, कौन सा ठीक होगा, जरा चले आप लोगों से पूछ लेते हैं, दो तीन मैंने खुद ही कर दिए, मैसेज करके जवाब दें या चैटिंग से जल्दी से जवाब दें, मैसेज आना शुरू हो गए, लेट मी गो थ्रू, डी कह रहे हैं जी बच्चे, ठीक हो ठीक हो। अच्छा जब मैं स्क्रीन पर मैसेज ऑन करता हूँ आपको मैसेज नजर तो नहीं आते, मैंने सेटिंग में से ऑन तो किया हुआ है कि मैसेज सिर्फ मुझे नजर आए आप लोगों को नजर ना आए, डी डी, एक बच्चे ने सी भी कहा है जी, एक स्टूडेंट ने, पार्टिसिपेंट ने, नो सर, गुड हो गया, अगर आपको मैसेज नहीं आ रहे तो अच्छा, किससे फिर प्राइवेट मैसेज सिर्फ मुझे ही आ रहे, ये सेटिंग से वैसे मैंने ऑन किया हुआ जानबूझ के ताकि चीजें बड़ी स्मूथली चले और कोई किसी का नाम और कुछ ना पढ़ सके, देखो मेरे सामने इसका मैसेज ऑन है, आई कैन सी दैट। अच्छा जी, ईच वन ऑफ द डॉग्स इन द शो हमें देना है जी रिक्वायर्स, हमारा जो करेक्ट है दैट इज डेल्टा, बी के साथ एक लगा नजर आ गया हुआ, ईच वन ऑफ द डॉग्स इन द शो, ईच आ गया है ना, प्रेडिकेट सिंगुलर चाहिए जो मर्जी है, बेशक वन ऑफ द डॉग्स है, ईच वन, वन ऑफ द डॉग्स वन भी आ गया तो चाहिए प्रेडिकेट सिंगुलर, रिक्वायर्ड तो प्लूरल है, क्या कहा था जिस वर्ब के साथ एस ये ईएस लग गया वो सिंगुलर होता है, नहीं लगा तो प्लूरल होता है, दे प्ले प्ले प्लूरल, लेकिन ही प्ले ही सिंगुलर है तो रिक्वायर गलत, ठीक है जी। साजिद अली शायद कुछ कहना चाह रहा है, अच्छा साजिद अली ज्वाइन किया है, ठीक हो साजिद साहब, बीटा में ईच वन ऑफ द डॉग्स इन द शो आर रिक्वायर्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ, बी आर क्यों आएगा, चार्ली में इस तो ठीक था लेकिन इसके बाद रिक्वायर गलत, मैं ना एक जुगाड़ देता हूँ फिर आगे जाके वर्ब में बड़ा कंप्लीटली सीखेंगे, स्पेशली टेंसेस में सीखेंगे, आपके जो पहले 12 लेक्चर उनमें टेंसेस के लेक्चर भी शामिल है जो मैंने स्केड्यूल शेयर किया है, 12 लेक्चर तक का स्केड्यूल शेयर कर दिया है, तो आप एक जुगाड़ आपको दूंगा टेंसेस में जाकर यहाँ पे ले लें कि इज एम आर जो वाज वार है ना, इनके बाद या तो आई एन जी फॉर्म आती है, आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, आर लिसनिंग, इज टीचिंग, ही इज टीचिंग, या इनके बाद थर्ड फॉर्म आती है, अगर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब आता है ना तो या तो आई एन जी फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, और बात ही आई एन जी फॉर्म है एक्टिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस, ये खैर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब करेंगे सीखेंगे,